दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ आलू पपीते की सब्जी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये एक हेल्दी रेसिपी है, इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें और बड़े मजे से खाएं। सो लेट्स मूव टू माय मास्क किचन टू प्रिपेयर आलू पपीते की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने लिए है एक पपीता जिसका वजन आधा किलो है, एक बड़ा सा आलू, साथ में हम लिए है 1 इंच अदरक, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 सूखा लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटी चम्मच चीनी जो ऑप्शनल है, 1 छोटी चम्मच घी और 1/4 छोटी चम्मच शाही गरम मसाला। हम आलू और पपीता को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, अदरक को हम ग्रेट कर लिए हैं। गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब हम सरसों तेल ऐड कर देंगे। तेल में हम सूखा लाल मिर्च, हींग और जीरा ऐड कर देंगे। इन चीज़ों को हम 30 सेकेंड्स के लिए एक बार फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में पपीता और आलू ऐड कर देंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी के साथ हम पपीता और आलू को 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तीन मिनट बाद हम कढ़ाई में ग्रेट किए हुए अदरक ऐड कर देंगे। अदरक पेस्ट को भी हम अच्छे से आलू और पपीते के साथ मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे और कढ़ाई को ढक करके 2-3 मिनट कुक करेंगे। 3 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद भी हम थोड़ा बहुत पानी का छींटा देंगे और कढ़ाई को ढक करके 2-3 मिनट और पकाएंगे। इस तरह पकाने से सब्ज़ी जो है वो कढ़ाई के तले में चिपकता नहीं है और ये जल्दी पक जाता है। दोबारा हम ढक के 3-4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखे हैं। एक और बार हम पानी का छींटा देंगे और कढ़ाई को ढक करके 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। दो मिनट बाद ढक्कन को खोल के चम्मच से अच्छे से हम सब्जी को मिला देंगे। अब हम कढ़ाई में 1 कप गर्म पानी ऐड कर देंगे। 1 कप बड़ा है, यहाँ पे 200 ml पानी है। साथ में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, चम्मच से एक बार मिला देंगे। कढ़ाई को ढक करके हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और बॉईल होने तक वेट करेंगे। उबाल आ जाने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे। धीमी आंच पे हम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और हम चम्मच से चेक कर लेंगे आलू और पपीता ठीक से पक गया है या नहीं। आलू और पपीता ठीक से पक गया है। अब हम इसमें चीनी, गरम मसाला और घी ऐड कर देंगे। चीनी ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। चम्मच से एक बार अच्छे से मिला देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे, गैस बंद कर देंगे और इसे इस तरह 10 मिनट रखेंगे।
और ये हमारा सिंपल हेल्दी टेस्टी पपीते की सब्जी बन करके तैयार है। इसे गरम गरम चावल या रोटी के साथ सर्व करें और बड़े मज़े से खाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी, इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।